ओम शांति। स्वयं को रिलैक्स करते हैं। और आत्मा पर लगे एक एक लेबल को देखते हैं। नाम का लेबल, जेंडर का लेबल, एज, बॉडी का लेबल, रियलाइज करते हैं इनमें से एक भी लेबल मैं नहीं हूं। मैं एक दिव्य शक्ति हूं। आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं अपने टिमटिमाते बिंदु स्वरूप पर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इसको गहराई से रियलाइज करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं पावरफुल हूं। यहां से मैं सितारा अपने घर की ओर जा रहा हूं। सूरज चांद सितारों की दुनिया से दूर। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में परम पिता शिव के सामने आप पहुंचा हूं। बाबा के स्वरूप को कुछ क्षण निहारे। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान शिव पिता, जिनका शक्तिशाली प्रकाश पूरे वतन में फैल रहा है। उनकी शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर बरस रहा है। ये पावरफुल किरणें वाला स्वरूप किरणे आत्मा के अंदर भरे हुए अभिमान को, अहंकार को भस्म कर रही है।
भरे जन्मों जन्मों के विकार, ये शक्तिशाली किरणें पल में भस्म कर रही है। कुछ क्षण इन किरणों को स्वयं में भरेंगे, यहां से मैं आत्मा आ जाती हूं सूक्ष्म वतन, संपूर्ण फरिश्ता काया में, मैं सितारा चमक रहा हूं। मेरे सामने बाप दादा, बाबा के मस्तक से निकलता शक्तिशाली प्रकाश, मुझ तक आ रहा है। ये प्रकाश मुझ आत्मा में सामना करने की शक्ति को जागृत कर रहा है। अब अपने सामने उन संस्कारों को लेकर आते हैं जिनको अपने अंदर लंबे समय से एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। इन संस्कारों को ओम शांति। आज हम 8 नवंबर 1981 की मुरली का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो मुरली का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है
अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। तो इसमें बाबा ने एक तो अंतर बताया, अंतर किस चीज में? अभी तक हमने पढ़ा चारों सब्जेक्ट्स के बारे में, गुणों की माला के बारे में। तो गुणों में अंतर और चारों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट में अंतर, तो उसको संपन्न करने का साधन बाबा ने बताया तुरंत दान महापुण्य। तो उसमें तुरंत दान महापुण्य की जो परिभाषा बताई बाबा ने, वो बाबा ने बोला कि सोचना और करना साथ साथ हो, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ। क्योंकि बाबा ने बोला सोचते तो सब है, संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त साथ साथ में प्रैक्टिकल नहीं करते। तो जब ये हो जाएगा सोचना और करना साथ साथ, तो इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है, सिर्फ पुण्य, महा नहीं। तो अंतर हो गया ना, तो महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। तो बाबा ने फिर यही बोला कि करते तो सब हैं, सिर्फ अब के बजाय कब करते हैं, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और बाबा ने क्या क्या बताया पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, चारों सब्जेक्ट्स के बारे में? बाबा ने चारों सब्जेक्ट्स को चार रंग दिए। ज्ञान के को रंग दिया गोल्डन रंग, याद की निशानी को रंग दिया लाल रंग, धारणा की निशानी को दिया सफेद रंग, और सेवा की निशानी को हरा रंग दिया। और स्वयं को पूज्य आत्मा समझने से हम संकल्प और स्वप्न, हमारे संकल्प और स्वप्न भी पावन बनेंगे, ये अभी आज हम पढ़ेंगे इस बारे में। और बाबा ने बोला कि कारण का निवारण करना ही निर्माण करना है, स्व में भी नव निर्माण और विश्व में भी नव निर्माण। तो अभी हम पढ़ते हैं इस मुरली का थर्ड पार्ट, जिसमें बाबा टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं और पार्टियों से। तो टीचर्स से बात करते हुए बाबा ने उनको सेवाधारी बोला, मतलब बाप समान। और पार्टियों से जो बात करी है उसमें बाबा ने बताया है जीवन की अनेक समस्याओं का हल तीर्थ स्थान की स्मृति। तो तीर्थ स्थान मतलब मधुबन, माउंट आबू। और बाबा ने बताया सुदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। तो हम सब ब्राह्मण क्या हैं? सर मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा ने बताया चैतन्य दीप माला के दीपकों का कर्तव्य क्या है, अंधकार में रोशनी करना। तो पढ़ते हैं, टीचर्स के साथ मुलाकात करते हुए बाबा बोले सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर हो। तो सेवाधारी हैं टीचर्स, अगर आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर हो। स्टेज पर भी सोने का पाठ बजाते हैं ना, सबकी नजर होती है कैसे सोए हुए हैं। तो इसमें मम्मा का भी उदाहरण दिया जाता है ना, कि कैसे मम्मा सोती थी कि बेड पर एक भी सिलवट नहीं पड़ती थी। तो सबकी नजर होती है कैसे सोए हुए हैं। इसी रीति सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पाठ बजाने वाले, 24 घंटे, तो हर कदम हर सेकंड सारे विश्व के आगे है सेवाधारी। सदा हीरो पाठधारी समझ करके चले। तो सेवाधारी तो हैं और सदा क्या है, हीरो पाठधारी। सेंटर पर नहीं बैठे हो लेकिन स्टेज पर बैठे हो, विश्व की स्टेज पर। तो विश्व की स्टेज क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट बजाने का है। कोई अगर विश्व की स्टेज पर बैठे, कोई बोले कि आप विश्व की स्टेज पर बैठे हो, तो हमको रहेगा ना कि हम अपना बेस्ट पार्ट प्ले करें, अपना सब कुछ बेस्ट बेस्ट करें।
तो इतना अटेंशन रहने से हर संकल्प और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे ना। अटेंशन मतलब सेवाधारी अर्थात सावधान, सावधान रहेंगे। अटेंशन नेचुरल अटेंशन होगा, अटेंशन देना नहीं पड़ेगा लेकिन रहेगा ही, क्योंकि स्टेज पर हो ना। और सदा अपने को पूज्य आत्मा समझो, तो पूज्य आत्मा अर्थात पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, कल्प कल्प पूज्य है। पूज्य समझने से संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। तो संकल्प बोल कर्म सब में अटेंशन रहेगा तो ऐसा नशा रहता है। वैसे भी सेवाधारी मेजॉरिटी कुमारियां हैं, कुमारियां डबल कुमारियां हो गईं, ब्रह्मा कुमारी भी और कुमारी भी। तो कितनी महान हो गई कुमारी की, अब 84वें अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है। तो इतनी पावन बनी हो तब इतनी पूजा हो रही है। ब्रह्म कुमारियों को कभी भी झुकने नहीं देंगे, कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं। तो कुमारियों को झुकने नहीं देंगे, कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं, चरण धोकर पीते हैं। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। तो सेवाधारी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। किसकी पूजा हो रही है? आप लोगों की। गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में। तो कौन सा गीत है? शिव शक्तियां आ गई धरती पे, चेतन में वो देवियां आ गई। इसलिए बोलो हमारी पूजा होती है। बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं ना, तो बाबा निरहंकारी है ना, तो बाबा नमस्ते कर रहे हैं कुमारियों को, ब्रह्मा कुमारियों को। तो क्या क्या बताया कि एक तो झुकते हैं सब कुमारियों के चरणों में, चरण धोकर पीते हैं। फिर बोला कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं, गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में। और फिर क्या बोला? बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं। तो इतनी पूज्य हो तब तो बाप भी नमस्ते करते हैं। इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी, अपनी भी और सेवा की भी। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी हैं। तो ये स्मृति वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। कौन सी स्मृति? तो इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी हैं। अच्छा, आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पहला, जीवन की अनेक समस्याओं का हल, तीर्थ स्थान की स्मृति, भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। यह कोई खाली स्थान नहीं है, महान तीर्थ स्थान है। वैसे भी भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, इसीलिए सब तीर्थों की यात्रा करते हैं ना, सोचते हैं कि पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, यह जानते नहीं हैं। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन की अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। यह स्मृति भी एक तावीज का काम करेगी। तो बाबा यहाँ स्मृति की बात बता रहे हैं, एक तावीज का काम करेगी। जब भी याद करेगा तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबा स्थूल की भी बात बता रहे हैं और सूक्ष्म की भी बात बता रहे हैं। स्थूल में तो है ही,
मधुबन तीर्थ स्थान। लेकिन बाबा सूक्ष्म में क्या बता रहे हैं कि जब भी याद करेगा तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। सिर्फ याद करने की बात है, सिर्फ संकल्प की बात है। तो पुण्य आत्मा हो गए ना, इस धरनी पर आना भी भाग्य की निशानी है, मन बुद्धि से भी आना। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना, वाह, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना, यह आपके हाथ में है। अब बाबा ने बॉल हमारे कोर्ट में फेंक दी कि सिर्फ भाग्यशाली बन के रहना है या सौभाग्यशाली बनना है या पद्मा पदम भाग्यशाली, ये हमारे हाथ में है। बाप ने भाग्यशाली बना दिया, यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो तो मधुबन में बुद्धि से पहुंच जाना, फिर सुख और शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट। अब बाबा बोल रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। सभी अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो? बाप की जितनी महिमा है उसी महिमा स्वरूप बने हो, तो बाप समान बनना है ना हमें, उसी महिमा स्वरूप बने हो। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। तो चेक करें अपने आप को, ऐसे चरित्रवान बने हो? कभी साधारण कर्म तो नहीं होते हैं? तो साधारण कर्म भी नहीं करने हैं हमको, चरित्रवान बनना है। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म हो नहीं सकते, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी, है ही सफलता स्वरूप ना, तो सफलता समाई हुई होगी। सफलता होगी या नहीं होगी यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, निश्चय होगा, सफलता हुई पड़ी है। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होंगे, मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त होंगे वे सदा हर कदम में पद्मा पदम पति होंगे। तो ये सीक्वेंस बताई बाबा ने कि जो सुदर्शन चक्रधारी हैं वो मायाजीत होंगे, फिर मायाजीत ही सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त होंगे वह सदा हर हर कदम में पद्मा पदम पति होंगे। ऐसे पद्मा पदम पति अनुभव करते हो? इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले, तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो, मतलब महान पुण्य करते रहो। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, चैतन्य दीपमाला के दीपकों का कर्तव्य है अंधकार में रोशनी करना। अपने को सदा जगे हुए दीपक समझते हो? चैतन्य दीपक, आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो यह निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं। अभी तक आपकी माला कितनी सिमरन करते रहते हैं? क्यों सिमरन करते हैं बाबा पूछ रहे हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। हम भी अंधकार में थे ना, तो ज्ञान मिला तो हम भी रोशनी में आ गए, और अब रोशनी में आ गए, आत्मा जागृत हो गई, तो दूसरों को भी रोशनी मिल रही है। तो क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो,
स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, सत्य स्वरूप का अनुभव करो। टिमटिमाने वाले नहीं, बाबा कह रहे हैं सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, टिमटिमाने वाले दीपक नहीं। कितने भी तूफान आए लेकिन सदा एक रस, अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। तो तूफान क्या है? संकल्पों के तूफान, किसी व्यक्ति से आए हुए, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति से आए हुए तूफान। तो बाबा कह रहे हैं कितने भी तूफान आए लेकिन सदा आत्मा एक रस, अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं, सत्य के साथ। हम सत्य स्वरूप में हैं तो दीपक हैं तो जगे हुए, बाबा भी साथ में ही है, कंबाइंड रूप में है। तो टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते बाबा, सदा जगे हुए दीपकों के साथ रहते हैं। बाप जैसे सदा जागती ज्योत है, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है, ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति। अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। तो ये अमर ज्योति एक तो राजपथ न्यू दिल्ली में है, इंडिया गेट में, अमर जवान ज्योति के नाम से, जिसमें के 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसकी यादगार है। और एक जलियांवाला बाग में भी है। मालूम नहीं बाबा कौन सी अमर ज्योति की बात कर रहे हैं, तो वो ये डिस्कशन में ले सकते हैं पॉइंट को। तो ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति, अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो, देख रहे हैं ना, चैतन्य में हैं हम और अपने यादगारों को देख रहे हैं, सभी जड़ यादगारों को। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद प्यार दे देते हैं। हमें चार धाम की यात्रा कराने वाले ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का रिजल्ट बताने वाले चार सब्जेक्ट्स के आधार पर हमारे अंदर सर्वगुण आते हैं, ये सब बताने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस रखेंगे और फिर सब शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई, क्या हम बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने आज कुमारी के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, तो कोई कोई पॉइंट बोल रहे हैं।
कुमारी को कभी झुकने नहीं देते थे और कुमारी की चरण धोते भी थे। और कुमारियां ब्रह्म कौन, आप कौन सी कुमारी और नाव पूछते हैं, हम तो ब्रह्म कुमारी सेवादारी है, श्रेष्ठ भी है, उसकी पूजन होती है ना, गायन भी है ना, घर में घर घर में पूजा होती है, बाबा भी उन्हें नमस्ते करते हैं। और लौकिक में भी ऐसा बोलते हैं कि एक कुमारी बोले तो 100 ब्राह्मणों के बराबर होती है, ऐसे भी कहावत है। तो इतनी कुमारी की पूजा और इतना पूज्य है, श्रेष्ठ है, इसीलिए तो ब्रह्म कुमारी का भी अभी ज्यादा श्रेष्ठ बनती है। ओम शांति, ओम शांति। सुनाई दिया, हेलो, हाँ जी सुनाई दिया हाँ ओम शांति। जी। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने मधुबन का भी जिक्र किया कि जब भी हम मधुबन में जाते हैं, चाहे साल में एक हद दो बार चांस मिल जाता है, तो ये भी हमारा सौभाग्य हो जाता है कि हम मधुबन में पहुंच जाते हैं। और दूसरा, बाबा ने ये कहा कि जब हम यहाँ अपने लौकिक स्थान पर होते हैं तो हम बुद्धि से मधुबन को हमेशा, जब वहाँ हम बाबा की कुटिया में गए, बाबा कमरे में गए, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ में, तो उसको इमर्ज कर लेना या फिर शांति वन कर, तो वो वाइब्रेशन कहो या वो अवस्था कहो, फिर उसका अनुभव होगा, तो ये ताबीज का काम करेगा। तो ये भी एक हमें बाबा का बड़ा वरदान कहो या आशीर्वाद कहो है। ओम श्री। ओम शांति दीदी। कोई भी कठिनाई आई तो बाबा बोले कि सीधा मधुबन पहुंच जाओ, मन से पहुंच जाओ। ओम शांति। बोलिए अनीता हेलो, सिस्टर, आपने अनम्यूट किया है माइक। ओम शांति दीदी। बाबा का आज एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो तुम्हारा अटेंशन इतना होना चाहिए कि तुम 24 घंटे अपने स्टेज पे हो, ये ना समझो कि घर में हो, सेंटर पे हो। तो उसमें हम भी अपने को ये समझे कि हम घर में नहीं है, हम भी 24 घंटे कहाँ है, स्टेज पे है। हमारा सोना बैठना, इसमें हमारा मतलब एक एक कर्म पे पूरा अटेंशन हो। और दूसरे बाबा के जो बहुत अच्छे महावाक्य कि जब बाबा जो नमस्ते करते हैं, बाबा एक तो बाबा करते कहते हैं कि तुम ही तो हो वो जिसके घर घर में पूजा होती है, इसलिए बाबा तुम्हें भी नमस्ते करते हैं। और एक इसमें जो बाबा का जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सॉरी सॉरी जो दीपकों की बात करी है बाबा ने, कि बाबा टीम सी माँ से दीपकों के से बात नहीं करते, बाबा उन दीपकों से बात करते हैं और साथ रहते हैं जो सदा अखंड है, एक रस है। तो इसमें हमें भी अपने ऊपर इस चीज का टेंशन देने की जरूरत है कि हमारा भी दीपक टीम सी माँ का ना हो या वो बिल्कुल निरंतर होना चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम श्री संपन्न जी, आप पोस्ट कर सकते हो। ओम शांति। इसे बाबा ने आज मधुबन की बहुत जिक्र की, तो जैसे हम एक बार मधुबन से जाके आते तो हमको ऐसे लगता लगता है जैसे हम मेडिटेशन करते 4 धाम का, ऐसे लगता है जैसे हम मधुबन में है। वो जो जो स्पिरिट जैसे जैसे लगता है हम हमारे ऊपर 4 धाम का शक्ति भी आ रहे हैं। जैसे हम घर में बैठते हैं तो नहीं लगता है हम घर में, हम तो मधुबन में, जैसे मधुबन में हम झूम रहे हैं, झूल रहे हैं, हमको तो ऐसे लगता है। तो इसलिए मेरे को आज मधुबन का जिगर बहुत अच्छा लगा। जैसे भाई जी मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे हम नुमा शाम के टाइम थोड़ी देर योगा करने के बाद अगर आश्रम में हम कुछ सेवा करते तो वो सही है? जी कर सकते, कोई बात नहीं।
बाकी बाबा ने एक मुरली में क्या कहा है, सूक्ष्म से आओ चाहे स्थूल से आओ, मधुबन में आना अर्थात ज्ञान योग धारणा सेवा में एक स्टेप आगे बढ़ना। जी, जैसे आज का दिन मेरी जैसे आश्रम में गया 9 बजे तक, 7:30 से 9 बजे तक, नुमा से हम जोगो थोड़ी देर हो पाई, वो तो सही चलेगा ना, आश्रम में सेवा चलिए। जी योग युक्त होकर सेवा कीजिए, योग युक्त होकर। जी 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 वो तो है, अभी नवरात्रि में चल रहा। हाँ जी ठीक है जी। ओम शांति। गीता दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। जी हाँ अध्यापन और सेवा मिलनी सेंटर पे, वो भी भाग्य की बात है, क्योंकि सबको सेंटर पे सेवा नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सेंटर पे दीदी बहनें इतनी सारी होती है कि और लौकिक माता जी को चांस ही नहीं मिलता है। तो आपको जो सेंटर पे सेवा मिल रही है वो भी बहुत भाग्य की। दीदी हमको तो सेवा मिलता है, लेकिन हमारे जुगल इतनी बार फोन करते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई। फिर मैं कहा चलो अभी तो मैं चलती हूँ, मैं बड़ी दीदी की बोल के आ गई। ओम नहीं, शांति। बाबा को बोलने का कि बाबा आप उनको थोड़ी देर आप ध्यान रखो, मैं जरा अपना घर का काम निपटा लूँ। अपना घर मतलब सेंटर, बाबा का घर वही अपना घर है ना। जी, 7 से 9 बजे तक रही, 9 बज के आके फिर अटेंड की। ओम शांति। जी तारा बहन, आपको कुछ कहना है? जी, मैं अपना पॉइंट शेयर करना चाहती थी दीदी। ओम जी शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि हमें इस तरह से अपने को देखना है कि हम विश्व के स्टेज पर बैठे हैं, तो हमारी हर संकल्प और हर कर्म नेचुरली श्रेष्ठ होंगे। और हम अपने को जब देखेंगे कि हम कल्प कल्प के पूज्य आत्मा अपने को समझेंगे, तो हमारी हर संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। तो हमें इसी स्मृति में रहना है कि हम विश्व के स्टेज पर बैठे हैं और कल्प कल्प के पूज्य आत्मा है। ओम शांति। जी और कुमारियों के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें कही। हमारे ग्रुप में है कोई कुमारी? माताएं कुमारियां ही तो हैं हम। दीदी वैसे तो सभी कुमारियां हैं, बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी लिखते हो ना आप। हाँ कुमारी हाँ जी, सभी हम अपना कुमारियां सबको। पूर्ण है, ब्रह्मा कुमारी है। हाँ मैं भी कुमारी हूँ। अच्छा है, नशा है माताओं को, हम कुमारियां हैं। और जी दीदी, बाबा ने ये भी कहा मैं है भी कि कुमारी हूँ। क्या हम सब ब्रह्मा कुमारियां हैं ना जी, आदि पिता की आदि संतान। जी पॉइंट कौन शेयर कर रहे थे? जी दीदी, मैं कोई बोल नहीं रहा था तो मैं बोल सोचा शेयर करूं। बाबा ने कहा कि महान तीर्थ मधुबन महान तीर्थ स्थान है, वहाँ पर आकर हम सब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो यहाँ का वातावरण सुख और शांति हमें दिला देती है, तो यही इससे हम भाग्यशाली बन जाते हैं। तो बाबा हमें भाग्यशाली बना देते। फिर इसके बाद में बाबा बोला है सौभाग्यशाली बनने के लिए और पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए ये हमारे हाथ में है। ओम शांति। ओम शांति अभी दीदी, थोड़ी। उसे हाँ ऐड जी करना बोलिए। चाहेंगे इसमें, सौभाग्यशाली नहीं पद्मा पद्म भाग्य, सौभाग्यशाली एक के आगे 2 0 और पद्मा पद्म भाग्यशाली एक के आगे 15 0 लगते हैं। हम पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी किन्नी माता ने अपना अपना अनुभव कहो या अपनी बात कहो वो रखी थी,
तो इस मुरली में भी एक पॉइंट आया है कि सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो अगर कोई बंधन है, कोई विघ्न है, तो विघ्न खत्म होने की युक्ति बाबा ने इस मुरली में बताई। किसी ने नोटिस किया? किसी ने नोटिस किया? मैंने किया ओ हाँ, बताइए। दीदी, मैंने पाचवी मुरली में पाचव्या मुरलीला प्रश्न विचारला होता कि राम अनादि अविनाशी है, नथिंग न्यू है, पण बाबांनी हे पण सांगितले की फुल स्टॉप लावा, झालेल्या गोष्टींना फुल स्टॉप लावा। एवढा प्रश्न विचारला तर सगळीकडे तक्रारी करायला लागली माझी, दीदीच्या समोर मी तक्रारी करते तिकडं, तरी पण मी सोडून दिलं आणि काही न बोलता मी मुरलीला जॉईन होत होती, पण तरी पण दीदींसमोर पण तक्रारी करते आणि इकडे येऊन पण तक्रारी केल्या, मग मी बंद केलंय तिकडे जायचं। आणि ते सांगायसाठी मी प्रश्न विचारला होता, तर ते म्हणायला लागल्या की मी अवगुण बघितलं, अवगुण बघितलं, मला काही कळलंच नाही, आता मी नुसतं ड्रामा आणि पुरुष टॉप लावाय पाहिजे एवढंच विचारलं जी, हमें तो समझ नहीं आती है भाषा, आपने क्या सुनाया, लेकिन कुछ कुछ समझ में आया। ग्रामा की बिंदी होतं। आंटी, एवढं मनाला लावून नाही घ्यायचं असतं, रामायण है सगळं। जी। जी दीदी, मैं सुनाऊं जो आपने पूछा था कि जी। तो बाबा ने कहा था कि इस स्मृति में रहो कि घर घर में हमारी पूजा होती है, तो सदा वृद्धि होती रहेगी अपनी भी और औरों का भी, सेवा में उसका भी वृद्धि होती, तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा इसे बोल अक्सर करके ना सूरज भाई जी एक सामान देते हैं, जैसे घर से बहुत सारा पेपर आ रहे होते हैं तो वो एक सामान देते हैं कि मैं इष्ट देवी हूँ इस घर की, तो ये सामान देते हैं। तो आज इस मुरली के अकॉर्डिंग भी बाबा हमें इस स्मृति में स्थित कर रहे हैं। अगर अपने आप को कुमारियां समझती हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप ही तो हो बच्चे जो घर घर में पूजी जाती हो, आप ही की तो पूजा होती है, इसीलिए तो बाबा हमें इतने पूज्य समझकर नमस्ते भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब इसी स्मृति स्वरूप में आप स्थित रह जाते हो और फिर सबकी सेवा करते हो पूज्य की स्मृति के आधार पर, हाँ, तो सब विघ्न हमारे खत्म हो जाते हैं। तो अब एक एक देवी अगर एक एक घर के अंदर है, तो उस घर में जितनी भी आत्माएं उसके साथ में रह रही हैं, वो सब उसकी पूजा करने वाली आत्माएं होंगी। तो अपने आप को पूज्य की स्मृति में रख करके हम घर पे चले, तो फिर बंधन जो है, जो ये इस तरीके के विघ्न है, हाँ, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ना हमें हर मुरली के अंदर ही हमारी स्थिति को देखते हुए एक युक्ति बताते हैं, उस युक्ति को पकड़ के चले। केवल मुरली को मुरली समझकर नहीं सुनना है, हमारे सामने जो भी स्थिति आ रही है, परिस्थिति आ रही है, समस्याएं आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन है उस चीज के अंदर। बस उस ट्रिक को जो बाबा हमें सिखा रहा है, उस मंत्र को जो बाबा हमें दे रहा है, जैसे जादू का मंत्र फेंका और छू मंत्र किया और सब कुछ चेंज हो गया, तो वैसे ही बाबा भी हमें छोटी छोटी ट्रिक सिखाते हैं। अगर केवल उन ट्रिक के ऊपर भी अगर हम फोकस कर लें, तो हमारे विघ्न सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे मुरली को केवल मुरली समझकर या फिर सुननी है ये समझ के नहीं। मेरे लिए मेरे बाबा ने आज क्या मुझे युक्ति बताई है, मुझे आगे बढ़ने का कौन सा तरीका बताया है, ये समझ के भी हम मुरली को सुने। अश्मिता बहन, आप कुछ कहेंगी? मुझे बस बताना था, कल एक दीदी जी ने पूछा था न्यूरॉन्स के लिए, तो वो भाई जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन अरेंज किया है, तो उसके यहाँ पे डिटेल्स दे रही हूँ मैं। तो किसी को अटेंड, अब 12 अक्टूबर को सैटरडे को सुबह 8 से 10, 8 से 12 है, और वो एक्चुअली होता ऐसा है कि
हम लोग बहुत बार कुछ भी पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमको याद नहीं रहती, और जब हमें बाद में वापस उसको याद करना होता है तो कुछ पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे एक्टिवेशन पॉइंट्स होते हैं, तो उनको कैसे एक्टिवेट करना है, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है जूम पे, किसी को अटेंड करना है तो मैंने डिटेल्स चैट पे डाल दिए हैं। और ये जो सेशन है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो भाई जी है पवन भट्टड़, इन्होंने लंदन में जाके टोनी बुजान करके एक साइंटिस्ट थे उनके अंडर ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो इन्होंने जनरली बाहर अगर आप इसका चार्ज देखेंगे तो 10-15 हज़ार लेते हैं, बट उन्होंने दशहरे के मौके पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज रखा हुआ है, स्पीड रीडिंग मेमोरी टेक्निक। तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं किसी को करना है तो। जी शुक्रिया। तो जिनको करना है वो नोट कर लीजिए। अच्छा और क्या कहा बाबा ने? स्मृति का ताबीज। किसको कहा बाबा ने? स्मृति एक ताबीज कैसे काम करेगा? हाँ स्मृति एक ताबीज कैसे काम करेगा? जी दीदी ओम शांति। जी ये जब भी हम मधुबन में जो हमारा समय बिताया है हम जब भी, तो उसको अपने यहाँ सेवा, अपने लौकिक सेवा स्थान पर आने के बाद उसको स्मृति में लाना, तो वो वाइब्रेशन जो है हमारे वो स्मृति आने से फिर वो वाइब्रेशन फैल जाते हैं और फिर वो ये ताबीज का काम करता है, तो हमारे समस्याएं फिर दूर हो जाए। ओम शांति। मुझे आज अभिजीत भाई की याद आई इसमें कि पहले कुछ मास पहले ना उन्होंने ये शेयर किया था कि आप अपने घर को एक मतलब जैसे हमारा 4 रूम का कमरा है, तो एक को लिविंग रूम को हमने बाबा का कमरा बनाया है और किचन को हिस्ट्री हॉल बनाया है और बेडरूम को बाबा की कुटिया बनाया है और एक चौथा रूम है उसको शांति स्तंभ बनाया है। तो दिन में आई जाती है मधुबन की एक बार यार, और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बहुत बॉन्डेजेस थे तो ये बॉन्डेजेस मेरे बहुत कम हुए इसके कारण। ओम शांति। सही है बहुत अच्छा। जी सुदर्शन चक्रधारी की निशानी क्या है? सुदर्शन चक्रधारी की निशानी जी सफलता स्वरूप। तो बाबा ने कहा है कि सुदर्शन चक्रधारी जो माया जीत होंगे वे सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त होंगे वे पद्मा पदम पति होंगे। बाबा ऐसे कहा, 21 जन्मों का सुख जमा करने वाले। जी ओम शांति। वो तो ठीक है, बाबा ने हमें समझा दिया, लेकिन किसी ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जब हम सुदर्शन चक्रधारी होते हैं तो हम सफलता स्वरूप बन जाते हैं? इस ब्राह्मण जीवन में किसी ने अनुभव किया है कि हम सुदर्शन चक्रधारी का अभ्यास करते हैं तो उससे कैसे हमें सफलता अनुभव होती है? एक तो मैं सोचती रहूं कि मैं बिंदु स्वरूप हूँ, परम धाम में, निराकारी स्वरूप में, फिर मैं देवता बन गई हूँ, फिर मैं पूज्य स्वरूप में हूँ, फिर मैं ब्राह्मण बन गई, अब मैं फरिश्ता। ये सोचने से क्या ऐसी चीज जागृत होती है जिससे हमें हर परिस्थिति में सफलता मिल जाती है, हर बात में सफलता मिलती है? जी दीदी, मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, इस साइकिल में आती जाती हूँ, कर्म करती हूँ, लेकिन मैं तो हूँ परम धाम की आत्मा। तो इस दुनिया के और यहाँ का जो कार्य है, इस ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, ऐसे महसूस होता है। बस सफलता और कुछ हमें मैटर नहीं करता है, कोई माया नहीं, और बंधन मुक्त होने के ये सब और शक्तियां बढ़ती है जब हम स्वदर्शन चक्रधारी घुमाते हैं।
ऐसे ऐसे महसूस होता है और बहुत खुशी प्राप्ति होती है। ओम शांति। तो सुदर्शन चक्र हमें ड्रामा की नॉलेज को सहज स्वीकार करा देता है, क्योंकि वो एक आदत बन जाती है ना, अपनी अपने पार्ट को ड्रामा में जानना समझना, और पार्ट को जानकर कि मैं ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही हूँ, इसकी स्मृति जागृत हो जाती है, तो फिर बाकी सारी बातों से डिटैच हो जाते हैं और सफलता मिलती है। बहुत सुंदर तारा बहन। संगीता बहन आप बताइए। जी ओम शांति सिस्टर। तो सफलता का तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, परंतु जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, पूरा पांच स्वरूप का अभ्यास, वो जितना भी समय लगता है, सेकेंड या मिनट्स, तो उसमें स्थिति तो डेफिनेटली सुधर जाती है। जो स्थिति रहती है पहले, कुछ भी सिचुएशन है जिससे दिमाग थोड़ा तीव्र हो जाता है या थोड़ा लगता है कि क्रोध आएगा, तो उसमें होता ये है, सफलता का तो हम नहीं सोचते, परंतु वो जो फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स जाते हैं ना, उसमें डेफिनेटली स्थिति पावरफुल हो जाती है और जो भी विकर्म होने वाले होते हैं उसमें बिंदु लग जाता है, क्योंकि वो 2-5 मिनट लग जाता है। जैसे लौकिक में भी बोलते हैं ना, 1 to 100 गिनो और 100 to 1 गिनो, उसमें गुस्सा शांत हो जाएगा, वो तो डेफिनेटली हो जाता है। वास्तव में सुदर्शन चक्र हमें ऐसा लगता है, सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है, कि एक दिन हम ऐसे ही चिंतन कर रहे थे, तो उसमें ही होता कि जैसे मान लो आप एक ज्ञान की पॉइंट को समझते हो कि भाई ये करने से ये होता है, तो उसका इफेक्ट वैसे ही होता है जैसे तो हमने किसी रस्सी को बहुत धीरे से चारों ओर घुमाया, लेकिन जब हम उसी रस्सी को जोर जोर से घुमाने लग जाते हैं तो वो एक हथियार की तरह बन जाती है, और उसके सामने कोई भी आ जाए चीज कट जाती है। ठीक वैसे ही जब हम ज्ञान को बार बार घुमाते रहते हैं, ज्ञान को बहुत पावरफुल तरीके से यूज करते हैं, हर चीज पर ज्ञान की पॉइंट लाते हैं, हर चीज पर ज्ञान की पॉइंट लेके आते हैं, समझ से चलते हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज में जो माया का प्रभाव होता है उसको काटने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर सफलता हमें मिलती है। क्योंकि अगर मान लो किसी चीज में हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो माना हमने समझ से उस बात को पार नहीं किया है, समझ से वहां पे काम नहीं लिया है, लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में टपकता रहता है, निरंतर हम घुमाते रहते हैं, हम इतने पावरफुल हैं, हम थे हम ही होंगे, तो जब अपनी ही शक्तियों को अपने गुणों के अंदर रमन करने लग जाते हैं, तो आत्मा के अंदर उस पावरफुल स्मृति से वो माया का गला कट जाता है, वो नेगेटिव चीजें, वो क्या क्यों के प्रश्न, ये सब बातों से हम उपराम हो जाते हैं। बहुत सुंदर संगीता बहन। और अभी समय हो गया है, हमारा लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ये तो माया का गला कट जाता है सदस्य चक्र चलाने से, और बाकी सभी चक्रों से छूट जाते हैं। हाँ, अनेक चक्रों से निकाल देता है ये चक्र, बहुत और माया सुंदर। का मेघा बहन बताइए। ओम शांति सिस्टर। मुझे आत्मा का तो यह अनुभव है कि मैं जब सुदर्शन चक्र फिराती हूँ तो ये एक तो आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं कि ये शरीर हमने कितने लिए छोड़े, तो मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, एक पहली बात फायदा। दूसरा है कि जब हम संगम युग पे आते हैं तो तभी हमें भगवान मिलता है, परमात्मा मिलता है, और इस छोटे से संगम युग पे ही हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध करनी है, ये बात बार बार हमें जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो वही याद आती है। और हमारा पुरुषार्थ जब ढीला होता है तो हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो हमें लगता है कि बाबा और अभी पुरुषार्थ करना है, अभी थोड़ा समय रह गया, ऐसा हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। ओम शांति। आप कभी भी बहुत ज्यादा हलचल में होते हो ना, तब जब हम सोचते हैं ना कि मैं अभी योग करूंगी, या फिर योग में बैठेंगे थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे, तो हम एक सामान लेते हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन हलचल की वजह से उस चीज पर फोकस नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं योग ना लगना। लेकिन जब हम योग करना चाहते हैं लेकिन बहुत हलचल में, उस वक्त अगर आप ये पांचों स्वरूपों के चक्र में होकर के फिर आप अपने आप को स्टेबल करते हो ना, तो बहुत इजीली आप योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, ये अनुभव है। तो जब भी हम कभी योग करना चाहें बहुत गहन अवस्था में, या फिर अनुभव करना चाहें कुछ, तो उससे पहले हम सुदर्शन चक्र
फिर आए, क्योंकि उससे बुद्धि खुल जाती है, उससे व्यर्थ नेगेटिविटी सारी हट जाती है, मन स्टेबल हो जाता है, बुद्धि स्टेबल हो जाती है, फिर बाबा में लगाना उसको बहुत इजी हो जाता है। शुक्रिया। इस बारे में सबके अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, सबके अपने अपने चिंतन हो सकते हैं। अभी पोल लॉन्च किया है, सभी उसका आंसर करेंगे। और सीमा बहन आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराइएगा 2 मिनट। क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। तो इसके पहले हमें होमवर्क दिया था ना, इतने बार करना है स्वदर्शन, तब से इतना अच्छा लग रहा है। हम तो हमें अभी बार बार आदत अच्छी हो गई कि हम करना है, और करने से इतना हमें प्रयत्न, हर एक जो कुछ भी स्टेप डाल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ स्थिति आई है, तो हमें एकदम नहीं आया उसमें, हम एक्टिव होते हैं, तो समझ में आता है हमें क्या करते हैं। ओम शांति। जी अच्छा लगता है। सीमा बहन आप दे सकते हैं हम लोग। तो होमवर्क हम देंगे और 3 दिन भी, तो रोज 4 धाम की यात्रा करेंगे, जैसे हम करते ही हैं सब ब्राह्मण आत्मा अमृत वेले, और दूसरा सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे पूरा दिन, और तीसरा हमेशा ये याद रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, हीरो पाटधारी हूँ। अभी बाबा को याद करते हैं 1 मिनट। मैं मास्टर ब्रह्मा अथक सेवाधारी सदा हीरो पाटधारी हूँ। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म सेवा के निमित्त है। मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, नम्रचित हूँ। मुझे निश्चय है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे नशा है, मैं दीपमाला का दीपक हूँ। मैं विश्व का अविनाशी दीपक हूँ। मैं सदा जागती ज्योत हूँ, अखंड ज्योति हूँ, अमर ज्योति हूँ। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए हैं ग्रुप में, तो उनके लिए बता दें कि ये ग्रुप शाम को 8:30 बजे शुरू होता है, जिसमें पहले बुक रीड होती है और उसके बाद हम मुरली का चिंतन करते हैं। 9 बजे अव्यक्त मुरली स्टार्ट होती है। सेम ग्रुप सुबह 5 बजे भी हम डिवाइस करते हैं इसी मुरली को, तो सुबह 5 बजे भी आप में से जो ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं सेम आईडी पर। तो आप सभी का ग्रुप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड नाइट।